कोरोना के संकट के बीच लोग आस नहीं छोड़ रहे, उन्हें भरोसा है कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। इसी विश्वास के लिए आस्था रखने वाले पूजा घरों में पहुंच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी का अंत हो। हिंदुस्तान कोई कसर नहीं छोड़ेगा कोरोना को मात देने में। शहर शहर इसका गवाह बन रहा है। कहीं पूजा पाठ चल रहा है तो कहीं गायत्री मंत्रोच्चार हो रहा है। कई शहरों में हवन कर हालात सुधरने की प्रार्थना की जा रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस कदर कोरोना ने पांव पसारे हैं, उससे तमाम इलाकों के लोगों में खौफ देखा जा सकता है। उसी आशंकाओं से उबरने के लिए गुरुग्राम की एक सोसाइटी में अनूठे अंदाज में पूजा पाठ का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया। अमूमन ऐसा मंत्रोच्चार लोग एक जगह पर एकत्रित होकर करते हैं। पूरे विधि विधान से गायत्री मंत्रोच्चार किया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से संकट की इस घड़ी में एक जगह इकट्ठा होना खतरे से खाली नहीं, लिहाजा लोगों ने ये तरकीब अपनाई। इस पॉश सोसाइटी में सभी लोग अपनी अपनी बालकनी में पहुंचे। मंत्रोच्चार के लिए मेन एंट्री गेट पर इंतजाम किया गया था, वहीं से गायत्री मंत्र का पाठ होता रहा और बालकनी में मौजूद परिवार वाले श्रद्धा भक्ति में लीन हो गए। लोगों ने यहाँ गो कोरोना के नारे लगाए, सबने एक दूसरे की हौसला अफजाई भी की। लखनऊ के मंदिरों में श्रद्धालु भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं। हर कोई कोरोना के नाश के लिए अपने हिस्से का आशीर्वाद मांग रहा है। मंदिरों में भीड़ उमड़ी है तो मंदिर प्रबंधन भी सतर्क है। इस वजह से श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सैनिटाइजर बांटे गए। वहाँ सामूहिक हवन भी किया गया, जिसमें कई विशेष औषधियों का इस्तेमाल किया गया ताकि कोरोना जैसे वायरल खतरे का नाश हो सके। जो विशेष उस हवन में था कि हवन सामग्री तो थी, उसमें हम लोगों ने 14 से 15 औषधि डाली थी, तेजपत्ता, जावित्री, अन्य सामान जो वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं और वायरस मुक्त कर सकते हैं। कानपुर में भी कोरोना को खत्म करने के लिए विशेष हवन का आयोजन किया गया है। आनंदेश्वर धाम में इस खतरनाक वायरस को खत्म करने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस मंत्रों द्वारा, इस कोरोना के मंत्र द्वारा यह हवन हो रहा है और हमें पूरी पूरी भगवान पे आस्था और विश्वास है कि ऐसे हवन और यज्ञ होते रहेंगे तो ये कोरोना भारतवर्ष से भाग जाएगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए यज्ञ आयोजन किया गया। यूपी के सीएम योगी के गोरक्षपीठ वातावरण के शुद्धिकरण के लिए आहूति दी गई। इसके पीछे वजह यही है कि हमारे देश में कोरोना फैलता जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि वेद मंत्रों के द्वारा वेद विहित यज्ञों को किया जाए। इस कोरोना को के रोकथाम के लिए यज्ञ किया जा रहा है, इसका आयोजन इसीलिए किया गया है। कोरोना वायरस का डर लोगों के दिलों में बैठा है। हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि इस वायरस से जिंदगी बच जाए। इसी के लिए अमृतसर में भी हवन किया गया। 551 परिवारों ने एकत्रित होकर प्रार्थना की। 108 हवन कुंड में आहूति दी गई।
हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। कई बड़े छोटे शहरों में पूजा प्रार्थना का ये दौर चल रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में भी महामारी को भगाने के लिए मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया। यहां लोगों ने हवन पूजन कर भगवान शिव से कोरोना वायरस से निजात दिलाने की प्रार्थना की। कोरोना का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों की फिक्र भी बड़ी होती जा रही है। कर्नाटक के शिमोगा में उसी महामारी से उबरने के लिए कोटे मारी कंबा मंदिर में विशेष पूजा की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है तो मस्जिदों में दुआओं का दौर जारी है। यूपी के चंदौली में नमाजियों ने कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगी। आज तक ब्यूरो।